नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। जिले भर में हो रही बारिश का प्रकोप कम होता नजर नहीं आ रहा। वहीं जिले भर में निचले क्षेत्रों में पानी भरा पुनः शुरू हो गया है, जिसके चलते जिले के कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। वहीं म्याना और म्याना के आसपास के क्षेत्र के कई मकान गिरने से कई व्यक्तियों के आशियाने उजड़ गए हैं। रात को मकान गिरे तो कई लोग घरों में सो रहे थे, मौके की नजाकत को देखते हुए अपने बच्चों को ले लेकर भागे। इस तरह की आफत की बारिश देखने को पहली बार मिली है। म्याना के कटरा मोहल्ला में नाला उफान पर आने के चलते आवागमन कई घंटे तक बाधित रहा। मौके पर पटवारी कालूराम बंजारा ने पहुंचकर व्यक्तियों के घरों का सर्वे किया और उन्हें मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। वे भाई जगह नहीं है मेरा, तो सब गिर गई अठारी बार। सामान सटा कुछ सामान वगैरह कुछ सामान वगैरह मुलक दबगा वहां में था सर, दबगा तो पूरा और इधर पूरे सब विस्तार में विस्तार और बर्तन रखे थे, जे टीवी में भी सब दब रही भाई। नाम क्या था? नाम रुक्मणी भाई राजपूत। ये 2:30 बजे जो घटना हुई है, और घटना हुई थी उस समय पे उसी घर में जो एक मतलब मेरा भैया सुनील और उसकी घरवाली सो रही थी। नीचे एक और भैया सो रहा था, उसकी भी 2-3 बच्चे थे, और वो मतलब 5 जने 7 जनों की घटना ऐसी थी, वो ख़त्म होने वाले थे। लेकिन क्या है कि उनकी ने वो छटपट भाई से उधर भाए और घर गिर गया चुका। कूलर डबल बेड सब कुछ, मतलब रहने को घर नहीं है हमारे पास। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बारिश के चलते रोठियाई के वार्ड नंबर 24 में मकान गिर गए। गनीमत रही कि इस मकान की दीवार अंदर की तरफ नहीं गिरी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घर के सभी लोग दीवार के पास ही सो रहे थे। वहीं 15 दिन पूर्व नारायण टेलर के घर एक बच्चे का जन्म भी हुआ था, वह भी दीवार के पास ही सो रहा था। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे नदी पार। जिले भर में हो रही 3 दिन से भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले तेजी से बह रहे हैं। वहीं गुना के आसपास ग्राम रामपुर में जो पुल है उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। गांव वाले अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं और ग्रामीणों को आने जाने के लिए कोई अलग रास्ता भी नहीं है। इतने परेशान है कि मवेशी हमारी गिर जाती है, वो भी मरती है इसमें, और उधर ही हमारी ज़मीन है, उधर ही गट्टा लाते हैं, सब जाते हैं आते हैं, फिर भी गिर जाते हैं उसमें, फिर मरते हैं साहब। इसलिए आवक जावक रास्ता बंद है? वो बंद है साहब रास्ता। मवेशी भी मर जाते हैं? मवेशी मर जाती है साहब, क्यों मवेशी मर गई? दो व्यक्ति मर गए साहब। अच्छा जी साहब, हाँ बहुत परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं, क्या सुनवाई से बहुत परेशानी आ रही है। रामपुर डैम का रास्ता है, कई बार शिकायत कर चुके हैं, और ये गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इधर कॉलोनी रामपुर इधर बच्चों की पढ़ाई बैठ रही है। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बमोरी तहसील में बने बाढ़ जैसे हालात। आपको बता दें कि बमोरी ब्लॉक को लगभग सभी तालाब खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं और सभी नदियां उफान पर हैं। गुरुवार रात को भारी बारिश ने यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। यहां रामपुर तालाब पर बना बांध ओवरफ्लो हो गया, जिससे ग्राम भोरा मार्ग बंद हो गया। वहीं ग्राम भोरा में 30 फीट ऊंचाई पर बना मंदिर भी पानी में डूब गया। साथ ही बड़निया तालाब से श्यामपुर एवं बिंदा खेड़े का रास्ता भी बंद हो गया और सामरसिंगा से झागर का रास्ता भी लगभग बंद है। साथ ही अकोदा तालाब से मंगरोड़ा फतेहगढ़ खड़ेला का
रास्ता भी बंद है। वहीं खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। जब बड़ी बड़ी नदियां उफान पर हैं तो छोटे नालों का क्या कहना, छोटे छोटे नाले और रपटे भी कहर ढा रहे हैं। बमोरी की सारी सड़कें जाम हो चुकी हैं, सारा आवागमन रुक गया है। जो बच्चे स्कूल जाते थे वो नहीं जा पा रहे, ना ही टीचर स्कूल तक पहुँच पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का भाव इतना तेज है, लेकिन लोग अपनी जान पे खेल के रोड पार कर रहे हैं, पुलिया पार कर रहे हैं। अच्छा भैया, कहाँ से आए आप? दानंदगढ़ी से। तो आप ये खतरा मोल ले रहे हो पानी पार करने में, आपको डर नहीं लग रहा है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ी ठीक है या जरूरी है। जाग स्थिति बुरी भई है यार। नहीं यार, न्यूज में निकलवाएंगे। ग्राम प्रवास सहायता के लिए हेलीकॉप्टर और कूपन भेज दें।
झावर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। बारिश का कहर गुना में भी देखने को मिला, जब पायगा मोहल्ला और बांसखेड़ी में मकान गिरना शुरू हो गए। बता दें कि देर रात पायगा मोहल्ला स्थित एक मकान की आगे की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। वहीं घर में पूरी तरह से पानी भर गया, जिसका कारण रोड की ऊंचाई बताया जा रहा है। घर वालों ने अभी एहतियात के तौर पर आगे तिरपाल डाल दिया है। वहीं बांसखेड़ी में भी एक कच्चा मकान पूरी तरह से गिर गया। कच्ची छत होने के चलते बड़ा हादसा टला, हालांकि अंदर पूरा परिवार सो रहा था। गिर गया मकान रात में, पानी पड़ा। कितने लोग थे अंदर? 5-6। कोई घायल भी हुआ है? हाँ। क्या नाम है? लाला। जमोड़ा पे भी लग गई, मुंह में लग गई। भैया हमारे ना मकान में पानी भर जाता है, एक तो पूरे में पूरा मकान अंदर पानी गिर जाता है, पूरे गिर गए मकान डला है हमारा। और पार्षद के पास गए थे तो बार बार, हमें 2-4 महीने हो गए पुट्टी के फार्म भरे थे ना, सो कह रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा, आपके नाम का पट्टा नहीं है। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम तो जिंदगी से रह रहे हैं, हमारे सास ससुर परिसर उसे रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे जस ससुर रहते थे, हमारे ससुर रहते थे यहाँ पे। अतिवर्षा के चलते इस सीजन में पहली बार गोपी सागर डैम के 5 गेट खोले गए। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गोपी सागर डैम जो पिछले बार आधा ही भर पाया था, वह इस बार सीजन में भरता दिखाई दे रहा है। बता दें कि इस डैम की क्षमता लगभग 434 मीट्रिक टन है, जो कि अपनी क्षमता से अधिक पानी भर गया है। इसके चलते पहली बार गोपी सागर डैम के 5 गेट एक साथ खोलना पड़ा। मौके पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। तारीख को हुए बंद के चलते आज मीडिया कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता में उस समय गजब स्थिति बन गई, जब मंच पर नाम न बोलने को लेकर आयोजक आपस में ही भिड़ गए। बता दें कि SC/ST एक्ट के आंदोलनकर्ताओं ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें आंदोलनकर्ता मंच पर कौन बोलेगा इसको लेकर आपस में ही भिड़ गए। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया, लेकिन दूसरे पक्ष ने राजनीति करने की बात को लेकर इसका बहिष्कार किया। आंदोलनकारियों ने अपनी आगे की रणनीति भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताई। अब सवाल ये उठता है कि जब आंदोलनकारी आपस में ही एक नहीं और खुद का नाम न बोले जाने के कारण आपस में ही राजनीति कर रहे हैं, तो आगे वो लोगों को क्या न्याय दिला पाएंगे? सोना जेल है, नाबालिगों के लिए उसमें अंदर प्रवेश नहीं करा सकते थे, उसके लिए अलग है, इसकी भी हम कंप्लेंट करेंगे। हमारे जो नाबालिग भाई बंधु थे, तो आप कैसे जेल में लेंगे? आगे की क्या रूपरेखा है आपकी? आगे की आप सब के सहयोग से जो रूपरेखा है, जैसे अब कल 10 तारीख को आपके भारत बंद का आह्वान है, कहने को वो कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन वर्तमान में ये जन भावना है, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। आपकी और आगे कोई आंदोलन के लिए रूपरेखा है क्या? देखिए, पानी वानी इतना ज्यादा बरस रहा है, हमारे लोग इधर उधर चले गए हैं, अभी सब लोग आज इकट्ठा हो गए, हो सकता है शाम तक हम कंप्लेंट करते हैं या कल कंप्लेंट करना। महिलाओं को अंदर की है, वो भी शिकायत दे के आपने पुलिस को? नहीं, वही तो वो नाबालिग। कितने समय रहे आप जेल में? आप भी करीब 8 घंटे जेल में रहे, करीब 8 घंटे लगभग 6 घंटे। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हो के मंच पे इनको पहले बोलने का मौका नहीं देते।
और आपको लगा है आपके साथ ही आपके लगा है बाहर अलग से प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको लगता है कि आप उनका भी सम्मान कर लीजिए अरे ये की पॉइंट नंबर पर गेट बंद है वो सर का अरे बोलो जरा की पत्रकार बंधुओं से यह अनुरोध है कि दिनांक 6 सितंबर को आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के आयोजन में ये हुआ कि जो 4 सितंबर को हमारे सवर्ण समाज के व्यक्तियों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम कुछ भी हो रैली का आयोजन करेंगे, पर अंत में लोगों ने अपना अपनी चमकाई आम सभा में बैठ के उन लोगों ने अपना अपना उल्लू चीरा दिया। आज भी उसी तरीके का कार्यक्रम हुआ, कल भी इस सुनिश्चित तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, बट ये था कि हमारा हमने गिरफ्तारी क्यों दी उसका कारण, अब मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैंने मेरी गिरफ्तारी देने का कारण मात्र ये था कि दो महिलाओं को 8 पुलिस वालों ने घेर रखा था हाट रोड पर मंडी के वहाँ, तो मैंने सिर्फ पुलिस वालों की बंदूकें हटाई तो दो चोट मेरे को लगी, पुलिस वाले ने कहा तू भी चला जा बेटा, मैंने कहा मैं भी जाता हूँ, मेरी गिरफ्तारी इस तरीके से हुई, पर साथ में और दूसरे बच्चे थे उन लोगों को उनकी बातें रखने का अभी आपका क्या हो रहा था मंच पर थोड़ा सा मंच पर ही विवाद विवाद नहीं हुआ था, मंच पर ऐसा हुआ था कि मैंने प्रारंभिक रूप से जैसे कि विपुल है, विक्की है, अमित जी हैं, इन लोगों ने कहा था कि भैया हम लोग छोटे हैं, हम लोग अपनी बातों को अच्छी तरीके से नहीं रख पाएंगे, तो हमारी बात को आप रखिएगा, इसलिए मैंने थोड़ा प्रोग्राम पहले होने के पहले कि मुझे भी अपने दोस्तों को बोलने दिया जाए, मैंने अपना नाम लिखाया था, तो उसमें आप देखेंगे तो एक नीचे रघुवंशी जी लिखा हुआ है, वो नाम कटा हुआ है, मैं उसी पर कि मेरा नाम क्यों काटते हैं, जब मुझे बोलने का अधिकार नहीं देना था तो मुझे बताया। मेरा स्टैंड बस ये है कि मैं हमारा जो SC ST जिसके लिए इतने व्यक्ति जैसे कि अंकित रघुवंशी अंदर बैठा हुआ जो कि 16 साल का बच्चा था, एक अंकित यादव है, AD है, विक्की है, विपुल है, ये जो नवयुवक हैं जिन्होंने एक क्रांति में योगदान दिया, उस क्रांति का कोई भी राजनेता दुरुपयोग ना करे, मेरी बस मन की मंशा ये है। नगर पालिका परिषद द्वारा हनुमान चौराहे से नाना खेड़ी तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर किया गया भूमि पूजन। इस भूमि पूजन में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राधेश्याम पारिक, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सिंह यादव एवं नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा विशेष रूप में मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने बताया कि चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है क्योंकि नानाखेड़ी मंडी के समीप अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। बता दें कि इस कार्य की लागत तकरीबन 582 लाख रुपए है और इस कार्य के चलते डिवाइडर निर्माण और नालियों का निर्माण भी साथ में ही होना है। घंटे उपलब्ध रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद, संगठन के लोग और पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ हमारी पुणे की शानदार जनता को कि आज के इस भूमि पूजन पे मंच पे उपस्थित समिति के सदस्य परम सम्मानी मनोज दुबे जी, जिले के उपाध्यक्ष बलबीर जी, RN यादव जी, भारतीय जनता पार्टी नगर के अध्यक्ष महाराज सिंह लोधा जी, रघुराज साहू जी, लेकिन 50 लाख रुपए की सुंदर लाइटें लगेंगी, 40 से 50 लाख के डिवाइडर बनेंगे और 50 लाख रुपए पोल शिफ्टिंग में खर्च होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नानाखेड़ी के पुल जो जाम की स्थिति रहती थी दोनों तरफ, हमारे मैरिज गार्डन शहर के और जनता जनार्दन जो जाती थी उनको बहुत तकलीफ होती थी, शादी में जाना है, बहन बेटियां तैयार होकर जा रही हैं और वापिस हो रहा है घर आ रही हैं, शादी में भोजन नहीं मिला घर। इन व्हीलर क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए निकाली गई रैली, यह रैली शास्त्री पार्क से शुरू हुई जिसका शुभारंभ जिलाधीश ने किया। इस रैली में इन व्हीलर क्लब के सभी सदस्यों ने शहर में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। वहीं ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। माननीय कलेक्टर महोदय, हमारे समक्ष हमारे देश
क्या करेंगे हम लोग इकट्ठा, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग भी आपका साथ देंगे। साइकिल्स का भी आप एक मैसेज लेके जा रहे हैं ताकि व्हीकल्स और पोल्यूशन फ्यूअल का भी उतना यूज ना रहे, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी बहुत जल्दी साइकिल रैली कर रहे हैं, आपको बताया आप सभी लोग इन्वाइटेड हैं उसमें, 2 तारीख को करेंगे हम रहे और इसी मैसेज को आगे बढ़ाएंगे हम इसको आगे, और आप जो भी इसमें कोई कार्य करें हमें बताएँ, मेरे सपोर्ट। क्लीन सिटी, स्वच्छता को दूर भगाना है, आओ एक कदम मिलकर आगे बढ़ाएं, अपने भारत को स्वच्छ बनाएं। क्लीन गुना, क्लीन गुना, क्लीन गुना, क्लीन गुना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महावीरपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली, युवक की उम्र लगभग 18 वर्ष बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या की गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि उक्त युवक की हत्या हुई है या फिर ट्रेन के आगे आने से उसकी मौत हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, आगे जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। हॉस्पिटल में है और कहाँ है? हॉस्पिटल में ले रहा है, नंबर पोर्टल में। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।